डायबिटीज किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है उन्हें किस प्रकार का लाइफस्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गामा का सेवन करके डायबिटीज को ठीक किया हो, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही शिद्दत के साथ इस चर्चा को सुनेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय हम इस चर्चा को अब देने वाले हैं। ऑलरेडी काफी समय हमारे सेशन का निकल गया है, तो इतना सा समय हम पूरा ध्यान से बैठकर सुनेंगे ताकि हम इसका बेस्ट आउटपुट ले पाए। मैं अपनी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करूंगी कि इस समय में आपको इसका बेस्ट आउटपुट दे पाऊं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल भाषा में आपको डायबिटीज की A to Z समझा पाऊं। मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो गई होगी। हाँ जी बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। जी ग्रेट, जी ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। डायबिटीज, डायबिटीज एक ऐसा दानव है जो भारत में अपने पैर पसार कर बैठा है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसने भारत को इस बीमारी की राजधानी बना दिया है। रोंगटे खड़े होते हैं जब हम ये समझते हैं, ये सुनते हैं, और इसका एहसास हमारे मन में आता है कि पूरे विश्व में डायबिटीज के इतने रोगी नहीं हैं जितने हमारे देश भारत में हैं। कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश भारत रोग के लिए प्रचलित होगा, बीमारी के लिए नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। जी हाँ, भारत डायबिटीज की राजधानी। डायबिटीज का सिनेरियो इतना बिगड़ गया है कि आज की तारीख में बच्चों को डायबिटीज हो रही है, छोटी उम्र के बच्चों को डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है। इतनी गंभीर ये समस्या हो गई है, आंकड़े और भी गंभीर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो भारत में डायबिटीज के 8 करोड़ के आसपास पेशेंट्स हैं, 8 करोड़। और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया, अगर इसी प्रकार से ये डायबिटीज बढ़ती गई, कैसे बढ़ेगी जब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं देंगे, हम लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे, उनको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे नहीं, तो ये बढ़ती जाएगी। और इस स्पीड से, जिस स्पीड से ये बढ़ रही है, 2045 तक ये 8 करोड़ की जो मात्रा है करीब करीब दुगनी होकर 13.5 करोड़ हो जाएगी। 13.5 करोड़ डायबिटीज के मरीज हमारे देश भारत में हो जाएंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि RCM परिवार ने इस समस्या की बागडोर संभाल ली है और पूरे देश में डायबिटीज के लिए जो अवेयरनेस फैलानी है उसका जिम्मा RCM परिवार ने ले लिया है। आज की जो चर्चा है वो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि डायबिटीज रिवर्सल करी जा सकती है। जी हाँ, अगर डायबिटीज को आप बहुत शुरुआती स्तर पर इसे पकड़ लें, इसको इसके सिम्टम्स को समझ लें, तो इसे रिवर्सल पर किया जा सकता है आपकी डाइट के साथ, आपकी जीवन शैली के साथ, अपनी समझ के साथ। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस सिस्टम को समझ पाए कि डायबिटीज रिवर्सल पर कैसे जाएगी, तो कृपया इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर में डायबिटीज होता क्या है, ये बीमारी है क्या। देखिए, ये जो बीमारी है ये हमारे सीधे तौर पर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हेरिडिटरी होती है, पुश्तैनी होती है, बिल्कुल हो सकता है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे जीवन में बहुत कम होता है। ज्यादातर ये बीमारी लाइफस्टाइल की समस्या है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं, डायबिटीज की शुरुआत आपके भोजन से है, मैं आपको एक बात बता देती हूं, डायबिटीज की शुरुआत आपकी ईटिंग हैबिट से है, आपके भोजन से है। जब हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में भोजन अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। भोजन से हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स।
आप लोगों का आवाज आ रही है क्या? अभी नो भी सर, आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। ओ मैम, मेरे आप स्पॉटलाइट में सर किसी और का फोटो आ गया थोड़ा इसमें। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ अभी अभी आई मैम, अभी आई। पहले इससे पहले वाली स्लाइड्स क्लियर हैं? इससे अगर पीछे आप कहें तो आई कैन गो बैक। एक एक स्लाइड पीछे ले लीजिए। चलिए यहां से शुरू करें। जी हाँ जी देखिए मैम, मैम डायबिटीज। स्पॉटलाइट में आ जाइए ना। स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट। किसी का फोटो आ गया। हाँ 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 अभी स्पॉटलाइट पे कौन है? हाँ मैं देखिए मैंने कुछ चेंज किया है, हुआ क्या? स्पॉटलाइट हाँ यस, हो एंड गया फॉर एवरीवन हो गया। हो गया हो गया हो गया हो डन गया है। अच्छा मैं स्पॉटलाइट में हुआ। जी जी मैम आ गए हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। चलिए अभी मैं इसको बंद ही कर देती हूँ क्योंकि फिर से स्पॉटलाइट ना रिमूव हो जाए। चलिए तो मैं बात कर रही थी डायबिटीज के सिनेरियो की। भारत में इस समय 8 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इस बढ़ती हुई दर को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले 2045 तक ये 8 करोड़ की मात्रा 13.5 करोड़ हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 13.5 करोड़। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरसीएम परिवार ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। आरसीएम परिवार ने ये जिम्मा ले लिया है कि भारत को डायबिटीज की राजधानी का जो ये ओहदा मिला हुआ है, हमें इस ओहदे को क्लियर करना है। हम डायबिटीज को इतनी तेजी से हमारे देश में बढ़ने नहीं देंगे। आप सबको एक खास बात बताना चाहती हूं कि जो डायबिटीज है इसका रिवर्सल पॉसिबल है। रिवर्सल का मतलब, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये संभव है कि आप अपने खाने पीने की आदतों को बदलकर, अपनी जीवन शैली को बदलकर इस डायबिटीज के रोगी ना रहें। अगर आपने डायबिटीज को बहुत शुरुआती स्तर पर कैच कर लिया है, इसको पकड़ लिया है, तो आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके इसे 100% रिवर्सल पर डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बीमारी है क्या? व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज की शुरुआत ना हमारे भोजन से होती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स से होती है। देखिए जब हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। डायबिटीज के लिए जो कंपोनेंट रीजन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन का सेवन करते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, आप नोट कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है, और ये ग्लूकोज हमारे रक्त के द्वारा हमारी बॉडी में ट्रेवल करने लगता है। जी ये ग्लूकोज हमारे, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आप सिंपल कोई हाईवे इमेजिन कर लीजिए। हाईवे पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैंने ईयरफोन पहना है, मैं तो सीधी कान में आवाज आती है। सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। और अगर कोई को-होस्ट साथी है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपका माइक ऑन ना हो। शुक्रिया। तो जो ग्लूकोज होता है, इसको ये हमारी बॉडी में घूम रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सड़कों के ऊपर गाड़ियां घूमती हैं। इमेजिन करवा रही हूं मैं आपको, आप इमेजिनेशन से सोचिए कि सड़कों के ऊपर गाड़ियां घूम रही हैं। अब उस गाड़ी को रुकने के लिए पार्किंग स्पेस की जरूरत है, गाड़ी को रुकने के लिए पार्किंग स्पेस की जरूरत है। जब तक कोई पार्किंग स्पेस उस गाड़ी को नहीं मिलेगा, वो हमारी बॉडी में घूमता रहेगा। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में ग्लूकोज घूमता रहता है जब तक कि उस ग्लूकोज को एक पार्किंग स्पेस नहीं मिलती। ये पार्किंग स्पेस क्या है? ये पार्किंग स्पेस है हमारे शरीर के सेल्स। ये सेल्स हमारे शरीर को एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं।
हमारे शरीर के सेल्स में ग्लूकोज को पार्किंग स्पेस मिलती है, ये बेसिक प्रोसेस है। देखिए अब ये जो पार्किंग स्पेस तक जाने का सफर है, ये सफर ग्लूकोज अकेला तय नहीं कर सकता, तो इस ग्लूकोज को, इस शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमारे रक्त से सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग होता है। अब ये इंसुलिन क्या है? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है पेनक्रियास, पेनक्रियास हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है, एक गाड़ी जिसको पार्किंग करने की जरूरत है, हम बोलते हैं ना वॉले पार्किंग करवाते हैं, हमें बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हमें सीटी बजाकर डायरेक्शंस दिखाते हैं कि गाड़ी को इस तरफ लेकर जाइए, यहां पर रास्ता खाली है ना। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसे सेल तक जाने के लिए, क्योंकि उसे सेल के अंदर जाना है, सेल तक जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। ये इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियास से आते हैं, राइट। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को लेकर सेल के पास जाता है और वहां पर नॉक नॉक करता है, नॉक नॉक। सेल पूछता है कौन है? इंसुलिन बोलता है मैं आया हूं और ग्लूकोज को लाया हूं। सेल कहती है वेलकम। सेल, क्योंकि इंसुलिन है साथ में, तो सेल गेट खोलता है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है। सिंपल प्रोसेस। इस तरीके से हमारा ग्लूकोज यूज करके सेल एनर्जी और न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करता है। सिंपल, बहुत आसान है। भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट में तब्दील हुआ, कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर बना, शुगर को सेल में जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, ये इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जब हम कई बार किसी बच्चे को घूमने के लिए, कोई बच्चा कहीं ट्रेवल के लिए जा रहा है, तो हम उसको खाने के लिए पैक करके सामान दे देते हैं ना साथ में कि रास्ते में भूख लगेगी तो ये खा लेना। उसी तरह से हमारी बॉडी में भगवान जी ने जब हमें पैदा किया, हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन देकर भेजा। जब एक बच्चे का जन्म होता है उसके शरीर में 5 से 10 यूनिट इंसुलिन ऑलरेडी उसके शरीर में होता है। ये जो इंसुलिन होता है ये उस बच्चे की बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ स्पेयर इंसुलिन देते हैं भगवान जी। उसके बाद वो बच्चा अपने जीवन में क्या भोजन करता है, किस प्रकार का खाना खाता है, उसके द्वारा कितना ग्लूकोज पैदा होता है, और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए, सेल्स के अंदर ले जाने के लिए पैनक्रियाज ग्लैंड दिए जाते हैं हमारी बॉडी में, जिससे वो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। सिंपल, राइट। तो अब जो इंसुलिन है, जो खाना पीना है, जब एक बच्चा है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा अपने भोजन में अगर कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करेगा, पैकेज्ड फूड्स का प्रयोग करेगा, चिप्स का प्रयोग करेगा, बेकरी आइटम्स खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, प्रोसेस्ड फूड खाएगा, तो क्या होगा? ये सब चीजें फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में, तो क्या होगा? तब जाकर शुगर की बीमारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा सेल है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट है ग्लूकोज को शामिल करने की। जैसे एक कमरे की कैपेसिटी हम बोल देते हैं कि एक कमरे में 30 लोग बैठ सकते हैं। अगर एक कमरे की कैपेसिटी में 30 लोगों की बैठने की क्षमता है, ज्यादा से ज्यादा हम एफर्ट करके 30 की जगह पर 40 बिठा लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बिठा सकते। उसी तरह से जब हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड का, जंक फूड का, फ्राइड फूड्स का, चिप्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। ये ग्लूकोज जिसे हमारे सेल्स के अंदर जाकर हमने पार्क करना है, हमारे सेल्स की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। जब सेल की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तब वो डायबिटीज का रोग बनेगा। जब ऑलरेडी कमरे में 40 लोग बंद किए हुए हैं हमने, अगर हम नॉक नॉक करेंगे और बोलेंगे कि 5 लोगों को और अंदर ले लो, क्या हम ले पाएंगे? नो, हमारे पास स्पेस ही नहीं है। उसी तरह से हमारा सेल, जब ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में घूम रहा होता है, देखिए जितने ग्लूकोज को हमारे सेल ने अपने अंदर समा लिया,
वो तो हमारी कंजम्पशन हो गई, हमारी एनर्जी बन रही है, लेकिन जो ग्लूकोज उसके अलावा हमारी बॉडी में घूम रहा है वो ब्लड ग्लूकोज कहलाता है, ब्लड शुगर लेवल्स कहलाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा घूमता हुआ ब्लड है इसी की मात्रा को डायबिटीज कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ब्लड शुगर है तो ये नॉर्मल मात्रा है। वहीं पर अगर ये मात्रा 100 से 125 mg प्रति डेसीलीटर हो जाती है तो ये अलार्म है, ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। यहां पर आपको अलार्म दे दिया जाता है कि अगर अभी भी आपने अपने शरीर में ग्लूकोज के लेवल्स को कम नहीं किया तो आप पूर्ण रूप से डायबिटीज आपको हो जाएगी, आप डायबिटिक हो जाएंगे। अगर ये मात्रा 126 से ऊपर होती है तो ये खतरनाक होती है, ये खतरा होती है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की हुई जो नंबर्स हैं ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है, देखिए तो उसके कुछ लक्षण होंगे, कुछ उसके सिम्टम्स होंगे हमारे जीवन में। वो क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहली बात, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा थकावट महसूस करेगा, वीकनेस महसूस करेगा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन शैली में। हो सकता है उसको त्वचा पर खुजली, ड्राइनेस का एहसास भी हो सकता है। समय समय पर उस व्यक्ति का मुंह सूखता है, उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। हम बोल देते हैं ना कि मुंह सूख रहा है, कंठ सूख गया, पानी पिलान, पानी बहुत देर से पानी की इच्छा हो रही है, मुझे पानी पीना है। ये बार बार डायबिटीज के मरीज को महसूस होता है। ऐसा भी होता है कि डायबिटीज की वजह से काफी लोगों का वजन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, या फिर अगर आपको बार बार यूरिनेशन करने की इच्छा हो, जागृत हो रही है, हो सकता है ये डायबिटीज का सिम्टम। कई बार हम कह देते हैं कि मेरे हाथों की उंगलियों में झंझनाहट महसूस होती है, ये डायबिटीज का सिम्टम है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो डायबिटीज की बीमारी पैदा होती है। कई बार इसकी वजह से वजन में वृद्धि भी हो सकती है। तो ये सब डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स का आपको ख्याल रखना होगा। अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम आपको लगता है कि आपकी बॉडी में हो रहा है, आपको झट से डायबिटीज की जांच करवानी चाहिए। और जांच भी एक खास जांच, ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल अपनी डायबिटीज की जांच करवा लेंगे, टोटल ब्लड ग्लूकोज जांच करवा लेंगे। हम जांच में एक खास टेस्ट है, HbA1c। टेस्ट नोट कर लीजिए, HbA1c। इस टेस्ट की जांच करवाएंगे। इस टेस्ट की जांच हमारे शरीर में पिछले 3 महीनों में ब्लड शुगर लेवल्स की क्या दर रही है उसकी मात्रा बताता है। ज्यादातर इसका जो नंबर परसेंटेज आता है ये 7% से नीचे होना चाहिए तो आप डायबिटीज के रोगी नहीं है। अब आपको ये बताना चाहती हूं कि डायबिटीज को रिवर्सल पर कैसे किया जा सकता है। डायबिटीज को रिवर्सल पर किया जा सकता है हमारे लाइफस्टाइल को बदलकर, हमारी डाइट को बदलकर। हम प्लान्ड और सिस्टमैटिक डाइट को जब फॉलो करेंगे तो हम अपने शरीर के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जरूरत है हमें लो GI फूड्स का सेवन करने की। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहा जाता है GI को। लो GI फूड्स का सेवन जब आप करना शुरू कर देंगे अपने जीवन में तो डायबिटीज का स्तर कम हो सकता है। वहीं पर अगर मैं फलों की बात करूं तो आप चेरी का प्रयोग कर सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, नाशपाती का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में से लो GI फूड्स की अगर मैं बात करूं तो कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली और बैंगन लो GI फूड हैं। अनाजों में अगर आप गेहूं के अनाज को त्याग कर जौ का भोजन, जौ का सेवन करें, बार्ले का, ओट्स का सेवन करें, या फिर कुट्टू के आटे का सेवन करें, बकवीट का सेवन करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये लो GI फूड है। इसी प्रकार से अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो उसमें आपको वॉलनट्स यानी कि अखरोट, बादाम और पीनट्स का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। ये सब भोजन जो है ये लो GI फूड्स हैं।
खाना खाने की एक खास टेक्निक है जिससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। अपने भोजन की थाली को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले भोजन की थाली को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हाफ हिस्से में आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जियां होनी चाहिए, ताजी सब्जियां। इसमें आप पकी हुई सब्जी खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं। आधा भोजन आपका सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स का होना चाहिए, और जो बाकी का हाफ बचा उसमें से एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का और एक हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। ये एक हेल्दी प्लेट है। जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस्ड फूड को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए, तौबा कर लीजिए इससे। प्रोसेस्ड फूड हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ाता है, इससे ग्लूकोज स्पाइक होता है हमारी बॉडी में, और ये क्रेविंग्स होने लगती हैं हमें इन भोजनों की। इसके बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल्स एक बार हाई होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमें फिर से दोबारा भूख लगने लगती है। अगर आप डायबिटीज को रिवर्सल पर करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली फिटनेस की तरफ ध्यान देना होगा, फिजिकली एक्टिव होना होगा। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जुम्बा कीजिए, भंगड़ा कीजिए, डांस कीजिए, कोई गेम खेलिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कम से कम 40 मिनट रोजाना। बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स भी हैं हमारे पास जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेथी दाना, दालचीनी, एलोवेरा और अदरक। इन चीजों को आप अपने दिनचर्या की जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो रहे हमारे खाद्य पदार्थ जो हमारी संस्कृति के द्वारा हमें पता लगते हैं, लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली प्रूवन डायबिटीज के सल्यूशन की बात करूं या डायबिटीज की रोकथाम की बात करूं, तो इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनोल ही आता है। यही इकलौता ऐसा तत्व है जो रिसर्चेस के बाद, साइंटिफिक स्टडीज के बाद साबित कर चुका है कि इसका सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। बहुत सारी रिसर्चेस हैं हमारे पास जहां पर इस बात की पुष्टि की गई है कि गामा ओरिजिनोल का रेगुलर सेवन करने से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है और ब्लड शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते हैं। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनोल प्रोड्यूस हुआ है बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर। बड़े बड़े डॉक्टर्स गामा ओरिजिनोल को सपोर्ट करते हैं। खास तौर पर डायबिटीज के केस में डॉक्टर नवाजी तालुकर जी की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं बत्रा अस्पताल नई दिल्ली में। उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनोल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में जो डायबिटीज की वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं, हम जानते हैं कि जब कोई रोगी बहुत वर्षों से डायबिटीज का रोगी होता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव आने लगता है। तो डॉक्टर नवाजी तालुकर जी ने बताया कि डायबिटीज की वजह से जो शरीर में विभिन्न दुष्प्रभाव आते हैं, उन दुष्प्रभावों को रिवर्सल पर डाला जा सकता है गामा ओरिजिनोल की मदद के साथ। आइए सुनते हैं खुद डॉक्टर नवाजीत जी की जुबानी। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. जी, तो आपने ध्यान से सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले की जो रिसर्चेस थी उनमें नीम और करेले का प्रयोग किया जाता था डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कोई पुख्ता रिसर्च या पुख्ता रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। वहीं पर जब जब से गामा ओरिजिनोल मार्केट में आया है, गामा ओरिजिनोल के प्रयोग के बाद, इसकी रिसर्चेस के बाद, ये बात कही जा सकती है कि गामा ओरिजिनोल डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स को रिवर्सल पर डाल सकता है, डायबिटीज के मरीजों की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर चारू दुआ, जो कि
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली की, उनका भी यही मानना है कि गामा और रिजिनॉल टाइप वन और टाइप टू दोनों प्रकार की डायबिटीज के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करता है। डॉक्टर साहिबा का यह कहना है कि गामा ओरिजिनल जो कि चावल के भूरे हिस्से से सफेद रंग का आइसोलेटेड पाउडर की फॉर्म में लिया जाता है, ये गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार की स्टेटमेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल की भी है जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रूबी हॉल क्लिनिक पुणे की। और आपको बताना चाहती हूँ कोरोना काल में भी डॉक्टर संजय ने बार बार ये स्टेटमेंट्स देकर अपने आसपास समाज को हिदायत दी कि गामा ओरिजिनल का सेवन कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और आप कोरोना के संक्रमण से बच सके। इसके अलावा एक और जाने माने डॉक्टर डॉक्टर योगेश शर्मा जी जो कि नई दिल्ली से आते हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का। डॉक्टर योगेश शर्मा क्लियर शब्दों में ये बात कहते हैं कि गामा ओरिजिनल का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए, हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए और हृदय रोगियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। अलोंग विद दैट इट वर्क्स वेरी वेल इन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज वेयर इट कंट्रोल्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट इंक्रीजेस द एलडीएल। वीडियो का वॉल्यूम बढ़ सकती है क्या? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 टू 4 मंथ्स ऑफ द थेरेपी एंड अलोंग विद दैट इट आल्सो इंक्रीजेस। ये मेरी तरफ से बिल्कुल फुल वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम बहुत कम है। Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol. मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज के रोगियों के लिए गामा ओरिजिनल बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हमारे शरीर के ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रिड्यूस करता है। It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months. 3 से 4 महीने इसका सेवन करने पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया जा सकता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective. Insulin sensitivity को improve कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति रोगी जो डायबिटीज की दवा का सेवन कर रहा होता है वो और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगती है। अंडर द कवर ऑफ गामा ओरिजिनल, सो आई रिकमेंड एज अ फिजिशियन दिस मेडिसिन टू बी यूज्ड एज एन एंटी। मैं एक डॉक्टर के होने के नाते ये दवा रेकमेंड करता हूँ फॉर द पेशेंट्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरायडिज्म एंड डायबिटीज और अलोंग विद रेकमेंड करता हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि हाइपोथायरॉयड के रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए और कार्डियक यानी कि हृदय संबंधित जो रोग होते हैं उनके लिए डॉक्टर साहब इस दवा को, इस गामा ओरिजिनल को रेकमेंड कर रहे हैं। Because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways. क्योंकि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इसके मेटाबॉलाइजिंग इफेक्ट्स बहुत बेहतरीन है, ये हमारे शरीर में मल्टीपल तरीकों से फायदा देता है, तो डेफिनेटली ये मानव शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं और साथ में डायबिटीज की एलोपैथिक दवा भी खा रहे हैं तो समय दर समय अपनी डायबिटीज की जांच जरूर करवाते रहें, क्योंकि ये बात लाजमी है कि जब गामा ओरिजिनल का आप सेवन करेंगे तो डायबिटीज की जो स्तर है वो कम हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। जब डायबिटीज का स्तर नीचे आएगा तो उसकी दवा का नंबर भी कम होना चाहिए, और ये बात तभी हो सकती है जब आप समय दर समय डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी डायबिटीज की जांच करवाते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल का सेवन करके ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस किया है, डायबिटीज से छुटकारा पाया है।